सो गाइस, आज मैं बात करूंगा स्टिंजर का SPV-4 के एम्पलीफायर के बारे में। और इस एम्पलीफायर को अधिक लोग जानते होंगे और ये होगा भी सभी के पास। तो चले इसके बारे में आप सभी को क्या बताने वाले। सबसे पहले आपको यही क्लियर करता हूँ, इस एम्पलीफायर में हम लोग क्या एक साथ में बेस और टॉप चला सकते हैं, साथ मोनिटर या HF बड़ा भी चला सकते हैं। इस पर का एक भाई ने मतलब सवाल किया था, जो कि हम इस एम्पलीफायर में मतलब चलाना चाहते, जो कि मतलब सभी कुछ चलाना चाहते एक ही साथ में, तो क्या चल सकता है। और भी बताइए जो कि इस एम्पलीफायर में हम लोग लोड किस तरह मतलब चलाएंगे जो कि सही होगा आपके हिसाब से। इस प्रकार भी भाई ने मतलब कॉमेंट किया है, लेकिन उस भाई का मैंने कॉमेंट का पिक नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आप सभी को A to Z आपको बताने वाला हूँ इस एम्पलीफायर में आउटपुट मतलब किस पर प्रोवाइड करता है। और इस एम्पलीफायर में ज्यादातर मेंशन भी रहता है जो कि 8 ohm 4 ohm, इसमें तो आपको ऑप्शन भी देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी आप लोग कितना लोड डाल सकते हैं मैं इसमें आपको एक एक चीज बताऊंगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल में नहीं गए तो सेकंड चैनल जाइए, उसमें आपको ओनली DJ से रिलेटेड वीडियो देखने मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा इस एम्पलीफायर के लुक और डिजाइन के बारे में। तो देखिए लुक और डिजाइन जो जैसे देखने मिल जाता है, जो कि स्टिंजर के लोगो, इसमें मॉडल नंबर, लाइट इंडिकेटर, दो साथ में वॉल्यूम बटन, ऑन ऑफ स्विच आप सभी को देखने मिल जाता है। लेकिन मैं सब बिल्कुल बताता नहीं, जैसे आप सभी को नॉलेज पता होगा। तो चलिए मैं सिंपल डायरेक्ट इस फैशन की ओर बात करूंगा। तो जैसे आप सभी को एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर लिखा होता है जो कि 2000 वोल्ट पर चैनल, जो कि 2 ohms जो कि आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आपको लिखा होता है। और बाकी इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिल सकता, जो कि 4 ohm और 8 ohm में हम लोग कितना लोड दे सकते हैं, और कहीं पर लिखा भी नहीं होता कि आप लोग कितना बेस चला सकते हो, टॉप चला सकते हैं। इसके हिसाब से ये कहीं पर मेंशन नहीं कर रहा है, तो मैं इसी के बारे में चलिए बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा, देखिए इसमें आपको 2 ohm में तो आप सभी को पता चल गया, जो कि मतलब 2000 प्लस 2000 इसमें आपको परचन आउटपुट प्रोवाइड करता है। और आप सभी को पता नहीं है कि इसमें आपको 4 ohm और 8 ohm में कितना परचन आउटपुट प्रोवाइड करता है, चलो वो अभी आप सभी को बताता हूँ। तो देखिए इसमें आपको करीब आपको एप्रोक्स में आपको बता दें जो आउटपुट कितना प्रोवाइड करेगा ये एम्पलीफायर। तो इसमें आपको 8 ohm में 1000 से 1100 और इसमें आपको 4 ohm में आपको 1500 से 1600 के बीच में आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और इतना ही प्रोवाइड करता है। तो चलिए आप सभी को बताऊंगा जो कि भाई ने सिंपल में तो कमेंट किया था कि इसमें हम एक साथ में क्या क्या चला सकते हैं। तो देखिए इसमें आप एक साथ में दो चीज चला सकते हैं, बोलिए किस प्रकार का। देखिए ये एम्पलीफायर आपका डुअल चैनल वाला एम्पलीफायर है, तो आप इसमें एक चैनल में आप बेस भी चला सकते हैं और एक चैनल में आप टॉप भी चला सकते हैं या फिर मॉनिटर भी चला सकते हैं। इस पर आप मतलब अलग चैनल के लिए आप काम में ला सकते हैं इस एम्पलीफायर को। लेकिन एक बात, इसमें आप बेस भी चला सकते हो तो बात है, लेकिन इसमें अधिकतर में स्टिंजर के एम्पलीफायर में बेस उतना रिकमेंड नहीं करता हूं, तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन आप लोग बेस चलाना चाहते हो आप बेस चला सकते हो, तो कितने वोल्टेज का बेस चला सकते हैं चले मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा, देखिए इसमें आपको जो कि 8 ohm में आपको जो कि मैं आपको बताया जो कि 1000 से 1100 वोल्टेज के बीच में आपको प्रोवाइड करता है आउटपुट देता है ये एम्पलीफायर दोनों चैनल में। तो इसमें आप मतलब 8 ohm में आप एक एक बेस तो चला सकते हैं, फिलहाल ही इसमें आराम से चल जाएगा, जो कि आप 800 से लेकर मतलब 1000 तक की कोई भी एक एक बेस बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें आराम से चल सकता है। और चलिए बात करूंगा जो कि आप मतलब जो कि 4 ohm में, तो 4 ohm में देखिए 4 ohm में आपका भी दो बेस चल सकता है, बोलिए किस प्रकार का। इसमें आप 800 प्लस 800 उधर ब्रांड का मतलब कोई ब्रांड का हो 800 प्लस 800 दो बेस बिल्कुल चला सकते हैं, ये भी आराम से चल सकता है। और खास बात ये एम्पलीफायर जो 2 ohm में बेस्ट मतलब टॉप के लिए सबसे अच्छा होता है, आप सभी पता होगा। और एक बात, आप इस एम्पलीफायर को अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो बेस के लिए बिल्कुल ना खरीदे, आप इसे टॉप के लिए खरीद सकते हैं, टॉप के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर है। और मैं इसे ज्यादातर टॉप के लिए रिकमेंड भी मैं सभी को करता हूँ, आप इसे टॉप के लिए इस एम्पलीफायर को ले सकते थे। चले बात करूँ इसमें आप लोग टॉप किस पर चला सकते हैं, मतलब दो दो टॉप किस पर बनाकर चला सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग टॉप चलाना चाहते हो आप 2000 वोल्टेज का मतलब लोड डाल सकते हैं, एम्पलीफायर आराम से चल सकता है मतलब दोनों चल में। तो 500 वोल्टेज का आप टॉप मतलब 4 स्पीकर डालकर चला सकते हैं, या फिर आप 350 वोल्टेज का 4 स्पीकर और साथ में 50 से 80 वोल्टेज का बीच मतलब HF बड़ा भी लगा सकते, दो दो करके आराम से चल सकता है। इसमें आपको अच्छा साउंड प्रोवाइड करके देगा क्योंकि आपका टॉप के लिए जबरदस्त एम्पलीफायर है और ये हैवी। चलिए बात करूंगा इस एम्पलीफायर की प्राइस आप सभी को कितना पड़ सकता है मार्केट में, या आपके नजदीक मतलब मार्केट में जो भी हो डीलर के पास, तो आप कितना पड़ सकता है। तो देखिए इसमें आपको दो टाइप के आपको प्राइस देखने को मिल सकते हैं, पहले आपको बताया तो ये ओरिजिनल की प्राइस की बात करूंगा। तो ओरिजिनल आपको वेस्ट बंगाल में आपको जो एम्पलीफायर मतलब मैन्युफैक्चर होता है आपको ओरिजिनल की मतलब मिल जाएगा एम्पलीफायर। और वहाँ के प्राइस की बात करूँगा तो करीब इसमें आपको मतलब 30 से 32 हज़ार के बीच में अंदर मिलता है। और हम लोग के एरिया में बात करूँगा मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट के चार्ज लगता है अलग अलग मार्केट मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये करीब आपको 32 से लेकर मतलब 34 हज़ार के बीच में आपको मिलता है ये एम्पलीफायर। तो आप अपने मार्केट डीलर के पास जरूर एक बार पता कर सकते हैं। लेकिन आप सब बताएं ओरिजिनल आप लोग खरीदिएगा, जैसे मैं आपका बता भी दिया हूँ जो कि दो वीडियो बना चुका हूँ स्टिंजर के ऊपर, जो कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं ओरिजिनल डुप्लीकेट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ या आई बटन या एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप लोग जाकर क्लिक कर सकते हैं। जो कि मैं दो वीडियो बनाए जो कि स्टिंजर का PVT-701 और PVT-1000 एम्पलीफायर, जिसमें दोनों एम्पलीफायर की मतलब बताया हूँ जो कि आप लोग किस पर पहचान सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ जो कि आप लोग मतलब पहचान भी कराया हूँ प्रूफ के साथ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो आई बटन या एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो यहीं था, वीडियो को पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो